Hello everyone, welcome to my channel which is Learning Institute, and today I am going to discuss experimental verification of Compton effect. इसके पहले वाले वीडियो में हमने डिस्कस किया था Compton effect का जो प्रोसेस था पूरा न्यूमेरिकल वगैरह, और जो लास्ट में एक्सप्रेशन हम पाते हैं वेवलेंथ का, Compton shift का, वो सारी चीज़ें डिस्कस हो चुकी हैं. उसके आगे हमें देखना है कि एक्सपेरिमेंटली कैसा उसका आता है शिफ्टिंग वगैरह, एंगल पे वो किस तरह से डिपेंड करता है, तो वो चीज़ें आज हम डिस्कस करेंगे. और थोड़ा सा बात करेंगे फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट और Compton इफेक्ट के डिफरेंस के बारे में, कि दोनों में बेसिक डिफरेंस क्या है. दोनों एक जैसा ही लगता है कि वहाँ भी फोटोन इंसिडेंट होता है किसी मेटल पे, यहाँ फोटोन या एक्सरे फोटोन को हम इंसिडेंट कराते हैं डायरेक्ट इलेक्ट्रॉन पे. तो ये थोड़ा सा इसमें डिफरेंस है, वो हम डिस्कस करेंगे. तो चलिए स्टार्ट करते हैं. तो कुछ बेसिक चीज़ें हुई थी Compton इफेक्ट में. और हमने एक्सप्रेशन पा लिया था उसके बारे में, तो पिछला वीडियो आप देख लेंगे पहले, तो वहाँ पे हमें एक एक्सप्रेशन मिला था डेल्टा लेमडा इक्वल टू एच अपॉन एम नॉट सी वन माइनस कॉस थीटा. ये था एक्सप्रेशन. एक्सप्रेशन फॉर शिफ्ट इन वेवलेंथ कहें या चेंज इन वेवलेंथ. तो यहाँ पे हम देख रहे हैं, और यहाँ पे थोड़ा सा हम ये बता दें कि हमने फोटोन को इंसिडेंट कराया था इलेक्ट्रॉन के ऊपर, फिर फोटोन यहाँ से स्केटर्ड हुआ कुछ थीटा डायरेक्शन पे, और इलेक्ट्रॉन रिकॉयल हो गया था वी वेलोसिटी से फाई डायरेक्शन में. फाई एंगल हमने वहाँ पे लिया था, और यहाँ पे एच न्यू फोटोन था और इसको हमने एच न्यू डैश लिया था, इसको हम एक्स एक्सिस माने थे. तो यही थीटा था जिसको हम बोल रहे थे स्कैटरिंग एंगल, स्कैटरिंग एंगल. ठीक है, यहाँ पे रिक्वायर इलेक्ट्रॉन है. ठीक है, तो जो लास्ट एक्सप्रेशन आता है उसमें हम क्या पाते हैं, ये सारी चीज़ें कॉन्स्टेंट है, एच अपॉन एम नॉट सी कॉन्स्टेंट है. तो जो वेवलेंथ में चेंज आया, डेल्टा लेमडा क्या है, डेल्टा लेमडा इज़ नथिंग बट लेमडा डैश माइनस लेमडा. लेमडा डैश जो है वो वेवलेंथ है स्केटर्ड फोटोन का. यहाँ पे जो लेमडा डैश है वो क्या है, लेमडा डैश इज द वेवलेंथ ऑफ स्केटर्ड फोटोन, और लेमडा है वेवलेंथ ऑफ इंसिडेंट फोटोन. इंसिडेंट फोटोन, तो इस इंसिडेंट फोटोन का वेवलेंथ लेमडा था, और जो स्केटर्ड हुआ उसका वेवलेंथ लेमडा डैश था. तो दोनों में जो डिफरेंस आया वो ये है, और चूंकि ये डिफरेंस आता है इसलिए हम बोलते हैं कि यहाँ रेडिएशन में मॉडिफिकेशन हुआ. जितनी वेवलेंथ की इंसिडेंट रेडिएशन थी उससे ज़्यादा वेवलेंथ की स्केटर्ड रेडिएशन मिला या स्केटर्ड फोटोन मिला, तो इसीलिए इसको हम मॉडिफाइड रेडिएशन की वेवलेंथ भी बोलते हैं. तो जो चेंज आ रहा है, यानी डेल्टा लेमडा इक्वल टू एच अपॉन एम नॉट सी वन माइनस कॉस थीटा, तो ये सारी की सारी वैल्यू क्या है, ये कॉन्स्टेंट है. यानी ये डिपेंड किस पे कर रहा है, केवल थीटा पे. और थीटा क्या है, थीटा जो है वो स्कैटरिंग एंगल है. यानी जो शिफ्टिंग हमें मिल रही है इलेक्ट्रॉन से स्कैटरिंग कराने में, केवल वो डिपेंड कर रहा है थीटा के ऊपर. तो हम यहाँ देखेंगे एक्सपेरिमेंटली कि क्या होता है, जैसे जैसे थीटा को हम चेंज करेंगे वैसे वैसे हमारी शिफ्टिंग में चेंज आता है. जैसे जैसे थीटा को हम बढ़ाएंगे तो क्या होगा, थीटा को हम बढ़ाएंगे तो जो थीटा की वैल्यू है, जैसे जैसे हम एंगल बढ़ाते हैं थीटा की वैल्यू कम होती जाती है. तो जैसे जैसे हम थीटा का एंगल थीटा बढ़ाएंगे, कॉस थीटा हमारा कम होता जाएगा, और ये कम हुआ तो वन में से हम कम माइनस करेंगे, यानी वैल्यू हमें ज़्यादा मिलेगी, तो शिफ्टिंग हमारी बढ़ती जाएगी. जैसे जैसे हम थीटा को बढ़ाते हैं वैसे वैसे शिफ्टिंग बढ़ती जाती है, वो हम एक्सपेरिमेंटली देखेंगे. और ये एक्सपेरिमेंट होता है पीजी क्लास में, अगर आप एमएससी करते हो कहीं अच्छे जगह से यूनिवर्सिटियों में, तो वहाँ पे जो रेडियो एक्टिव सोर्स से होता है, ये गामा रे का एक्सपेरिमेंट है ये,
तो ऐसा कोई सोर्स यूज करते हैं जो गामा रे को प्रोड्यूस करता हो, तो वैसे सोर्स हर जगह उपलब्ध नहीं होते, तो अच्छी यूनिवर्सिटियों में ही होता है, जैसे BHU या फिर दिल्ली या फिर बेंगलोर वगैरह में, तो वहाँ पे आपको ये चीज़ें मिलेंगी। उसमें भी अगर आप न्यूक्लियर सेक्शन लेते हैं तब इस एक्सपेरिमेंट को कर पाएंगे, तो वहाँ आप देखेंगे कि किस तरीके से डेल्टा लेमडा डिपेंड करता है थीटा के ऊपर। जैसे जैसे हम थीटा को बढ़ाते हैं तो हमें शिफ्टिंग ज़्यादा मिलती है, और जो 90 डिग्री के लिए हमने दिखाया था कॉम्पटन ने शो किया था, तो वो होता है डेल्टा लेमडा 0.0243 इतना था, और यही चीज़ जब हम 180 डिग्री पे देखते हैं तो आता है डेल्टा लेमडा की वैल्यू 0.0486 एंगस्ट्रॉम, ये भी एंगस्ट्रॉम में है। तो इतना चेंज आता है 90 से 180 में, शिफ्टिंग में डबल हो जाता है, उसी तरीके से क्रम से बढ़ता जाता है। इसका एक्सपेरिमेंटल अरेंजमेंट कुछ इस तरह का होता है कि यहाँ पे मान सकते हैं कि एक्सरे प्रोड्यूसर है कोई, एक्सरे प्रोड्यूस करने वाला, या कह सकते हैं मोनोक्रोमेटिक एक्सरे सोर्स। तो यहाँ से रे को हम निकालेंगे, प्रोड्यूस होगी, एक स्लिट बीच में रखा जाता है उसको और मोनोक्रोमेटिक करने के लिए, फिर इसको हम स्केटरिंग कराएंगे इलेक्ट्रॉन से, और फिर हम इसको मेज़र करते हैं ब्रैग एक्सरे स्पेक्ट्रोमीटर। तो ये डिफरेंट एंगल पे शो होता है, जैसे इसको हम मान सकते हैं थीटा, तो यही हमारा स्कैटरिंग एंगल। तो ये किसी भी एंगल पे हम इसको मूव करा के, ब्रैग स्पेक्ट्रो को हम मूव करा के सारी चीज़ें हम देख सकते हैं, ये पूरा 180 डिग्री तक घूम जाता है। तो इसके हिसाब से जब हम सारी चीज़ें देखते हैं तो एक्सपेरिमेंटली हमें क्या प्लॉट मिलता है वो कुछ इस तरह का होता है। तो एक हम दिखा सकते हैं जैसे 0 डिग्री के लिए थीटा इक्वल 0 डिग्री, दूसरा तो इसको हम 45 पे है और ये 90 पे है, 90 डिग्री। उसी तरीके से हम और यहाँ पे प्लॉट कर सकते हैं, ये कुछ इस तरह से आता है, ये थोड़ा सा अजीब हो गया, तो इसको रहने ही देते हैं, तीन में ही दिख रहा है क्योंकि यहाँ स्पेस नीचे है नहीं। तो यहाँ पर देखिए यही शिफ्टिंग है, यहाँ पे क्या है डेल्टा लेमडा का मान 0 है, तो यहाँ पे डेल्टा लेमडा हमारा ये है यहाँ से लेके यहाँ तक शिफ्टिंग हुई, जो ओरिजिनल रेडिएशन थी वो यहाँ पे था, ये यहाँ पे हम इंटेंसिटी और इधर हम वेवलेंथ मेजर कर रहे हैं, वेवलेंथ डिफरेंट एंगल पे। तो होता क्या है कि थीटा इक्वल टू 45 डिग्री पे हमें इतना शिफ्टिंग मिलता है डेल्टा लेमडा इतना, उसके बाद 90 डिग्री पे हम देख रहे हैं डेल्टा लेमडा इंक्रीज हुआ यहाँ से लेके यहाँ तक, तो जो डेल्टा लेमडा है वो चेंज हो रहा है, यानी कॉम्पटन शिफ्ट एक तरह से चेंज हो रहा है, ठीक है, डेल्टा लेमडा हमारा चेंज हो रहा है, यानी चेंज इन वेवलेंथ चेंज हो रहा है, चेंज इन वेवलेंथ में।
तो इसी तरीके से जब 135 करते हैं तो ये और ज़्यादा हो जाता है, उसी तरीके से 180 पे ये इसका दोगुना हो जाता है। तो एक्सपेरिमेंटल डाटा कुछ इसी तरीके से आता है, डेल्टा लैम्डा, यहाँ डेल्टा लैम्डा इतना है, तो हम देख रहे हैं कि एक्सपेरिमेंटली भी जैसे जैसे थीटा इंक्रीज करता है वैसे वैसे डेल्टा लैम्डा की वैल्यू चेंज होती है, यानी वो बढ़ती जाती है। ठीक है, अब इसके बाद हम डिस्कस करेंगे फोटोइलेक्ट्रिक और कॉम्पटन के डिफरेंस के बारे में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। एक चीज़ और इसमें क्वेश्चन पूछता है कभी कभी कि कॉम्पटन इफेक्ट विजिबल लाइट के लिए ऑब्जर्वेबल नहीं होता है। तो कॉम्पटन इफेक्ट विजिबल के लिए ऑब्जर्वेबल नहीं होता है क्योंकि उस केस में क्या होता है कि वेवलेंथ हमें बहुत कम मिलती है, तो इसलिए हम उसको ऑब्जर्व नहीं कर पाते हैं। तो ये चीज़ें हम बाद में फिर डिस्कस करेंगे। फिलहाल हम देखते हैं कि इसमें डिफरेंस क्या है कॉम्पटन में और फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट के जंक्शन में। तो सबसे जो पहली बात है वो ये है कि फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट में जो फोटोन था वो कम्प्लीटली एब्जॉर्ब होता है, मेटल के केस में क्या होता है, कम्प्लीटली एब्जॉर्ब होता है किसमें, फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट में। लेकिन कॉम्पटन इफेक्ट में क्या होता है, फोटोन एब्जॉर्ब नहीं होता बल्कि वो स्केटर्ड होता है। तो उस केस में फोटोन स्केटर कर जाता है। लेकिन अगर हम ये मान के चलें तो स्केटर होने से ये भी समझ में आता है कि वहाँ पे फोटोन की केस में बना रह गया, लेकिन उस वाले में क्या होता है, पूरा का पूरा एब्जॉर्ब हो जाता है, सारी की सारी अपनी एनर्जी दे देता है वो मेटल को। लेकिन कॉम्पटन वाले में इलेक्ट्रॉन को रिक्वायर करता है, उसके बाद जो एनर्जी बचती है उससे वो स्केटर कर जाता है, यही होता है कॉम्पटन में। लेकिन फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट में ऐसा नहीं होता, फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट में पूरा का पूरा एब्जॉर्ब होता है, उसके बाद इलेक्ट्रॉन का इमिशन होता है, तो ये प्रोसेस इनका अलग हुआ। दूसरा, अगर हम ये सोचें कि जो कॉम्पटन का इलेक्ट्रॉन था वो फ्री था या बाउंड था, जैसे फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट का जो इलेक्ट्रॉन होता है वो बाउंड होता है, बाउंड कंडीशन में होता है क्योंकि उसको हम मेटल के अंदर मानते हैं और उसको निकालने के लिए एक टर्म यूज़ होता है जो एनर्जी के रूप में यूज होता है, वर्क फंक्शन। तो इतनी एनर्जी हमें देनी पड़ती है इलेक्ट्रॉन को इमिट करने के लिए फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट में, यानी वो बाउंड होता है। इस केस में इलेक्ट्रॉन फ्री होता है, जो कॉम्पटन होता है कॉम्पटन इफेक्ट में वहाँ इलेक्ट्रॉन को हम फ्री मानते हैं। सपोज़ करिए कि अगर कॉम्पटन वाला इलेक्ट्रॉन फ्री ना हो तो क्या होगा, फ्री ना होगा तो वो टोटल उसको एब्जॉर्ब कर लेगा। जो हम यहाँ स्केटर की बात करते हैं तो क्या होता है कि इसकी एनर्जी एच न्यू होती है, जो स्केटर्ड फोटॉन होता है उसकी एनर्जी एच न्यू डैश, और इसकी एनर्जी को मानते हैं हाफ एम बी स्क्वायर, कि इलेक्ट्रॉन इस एनर्जी से रिक्वायर कर गया होगा, ये एक तरह से काइनेटिक एनर्जी है। ठीक है, तो अगर हम ये मान के चलें कि जो कॉम्पटन इफेक्ट का इलेक्ट्रॉन था वो बाउंड के केस में था, तो क्या होगा कि जो जितना फोटॉन इंसिडेंट करेगा वो पूरा का पूरा एब्जॉर्ब हो जाएगा। तो अगर हम पूरा का पूरा एब्जॉर्ब के केस से चलेंगे तो अगर हम लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी और लीनियर मोमेंटम को यूज़ करें जैसे हमने कॉम्पटन इफेक्ट में किया था, तो हमें क्या मिलेगा, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी कहेगा कि एच न्यू इक्वल टू हो जाएगा हाफ एम बी स्क्वायर हो जाएगा। अगर ये पूरा का पूरा फोटॉन एब्जॉर्ब कर ले इलेक्ट्रॉन, तो कंजर्वेशन एनर्जी क्या कहेगी कि जो एच न्यू होगा वो इक्वल हो जाएगा हाफ एम बी स्क्वायर के, क्योंकि ये पार्ट तो मिला ही नहीं, ये फोटॉन पूरा का पूरा कम्प्लीटली एब्जॉर्ब हो गया। तो अब कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी क्या कहेगा, एच न्यू इक्वल टू दिस मच, हमने कॉम्पटन में कुछ इस तरह से लिखा था, एच न्यू इक्वल टू एच न्यू डैश और प्लस यहाँ पे ई के था, या यही टर्म था, हाफ एम बी स्क्वायर। लेकिन अगर इलेक्ट्रॉन पूरा का पूरा एब्जॉर्ब कर रहा है तो हम सिंपली लिखेंगे एच न्यू इक्वल हाफ एम बी स्क्वायर। ठीक है, तो इसको मान लेते हैं क्वेश्चन वन। उसी तरीके से अगर हम लीनियर मोमेंटम लिखेंगे, कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम, तो क्या लिखेंगे, इसका मोमेंटम हो जाएगा एच न्यू बाई सी। इस फोटॉन का मोमेंटम क्या होगा, अगर एनर्जी इतनी है तो मोमेंटम होता है पी इक्वल टू ई बाई सी, ये सिंपली हो जाएगा एच न्यू बाई सी। तो हमें मोमेंटम मिल जाएगा एच न्यू बाई सी, और ये इक्वल किसके होगा, इलेक्ट्रॉन के मोमेंटम के, क्योंकि इलेक्ट्रॉन रिक्वायर करता है किस वेलोसिटी से, वी वेलोसिटी से। तो ये हो जाएगा इलेक्ट्रॉन का मोमेंटम, इसको मान लेते हैं इक्वेशन टू।
और आपस में अगर इक्वेशन वन और टू को सॉल्व करेंगे तो क्या होगा, सिंपली डिवाइड कर दीजिए। तो ऑन डिवाइडिंग इक्वेशन वन बाई टू वी गेट, हमें क्या मिलेगा अगर इससे हम इसको डिवाइड करेंगे तो सी हमारा ऊपर चला जाएगा, एच न्यू अपॉन एच न्यू बाई सी, और ये हो जाएगा सिंपली हाफ, और एम से एम कैंसिल हो जाएगा और वी का एक वी बचा रहेगा तो वी आ जाएगा। यहाँ से हमें मिल रहा है वी इक्वल टू सी, वी इक्वल टू टू सी। जब हम ये जम्पशन मान के चल रहे हैं कि इलेक्ट्रॉन फुली एब्जॉर्ब कर रहा है, यानी इलेक्ट्रॉन एक बाउंड के केस में है, बाउंड की तरह अगर हम सोचें कॉम्पटन वाले इलेक्ट्रॉन को, तो वो फुली एब्जॉर्ब करेगा, एब्जॉर्ब करेगा तो हम कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी से ये लिखेंगे, फिर कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम से ये लिखेंगे, तो लास्ट में हमें जो रिजल्ट मिल रहा है वी इक्वल टू टू सी मिल रहा है, यानी कि इलेक्ट्रॉन की जो वेलोसिटी है वो टू टाइम्स हो जाएगी लाइट की वेलोसिटी के, जो कि एक इम्पॉसिबल चीज़ है। क्या है ये? इम्पॉसिबल है, और एक तरह से ये रिलेटिविस्टिक मैकेनिक्स का वायलेंस भी कर रहा है, क्योंकि रिलेटिविस्टिक मैकेनिक्स में हमने पढ़ा है कि कोई भी ऐसा मटेरियल बॉडी नहीं है जिसकी वेलोसिटी लाइट की वेलोसिटी के बराबर भी हो, ज़्यादा तो बहुत दूर की बात है, और यहाँ तो इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी टू टाइम्स ही है। इसका मतलब जो हमने सोचा है ये सारी चीज़ें गलत है। और एक और बात है कि ये भी हम कह सकते हैं कि ए फ्री इलेक्ट्रॉन, जो फ्री इलेक्ट्रॉन होगा वो कभी भी पूरा का पूरा फोटॉन को एब्जॉर्ब नहीं करेगा, बल्कि वो रिक्वायर कर जाएगा और स्कैटर्ड फोटॉन हमें ज़रूर मिलेगा। क्या होगा, कभी भी एक फ्री इलेक्ट्रॉन इंसिडेंट फोटॉन को कम्प्लीटली एब्जॉर्ब नहीं कर सकता, क्योंकि अगर वो ऐसा करेगा तो उसकी वेलोसिटी हो जाएगी वी इक्वल टू टू सी, जो कि एक असंभव सी चीज़ है, इसलिए ऐसा कभी भी नहीं होगा। तो हम कह सकते हैं कि एक फ्री इलेक्ट्रॉन कैन नॉट एब्जॉर्ब इंसिडेंट फोटॉन कम्प्लीटली, ठीक है। तो ये एक डिफरेंस था। तो यहाँ से ये कंफर्म हुआ कि जो कॉम्पटन इफेक्ट था वो किसके लिए था, फ्री इलेक्ट्रॉन के लिए था, और जो फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट था वो किसके लिए था, बाउंड इलेक्ट्रॉन के लिए, जो मेटल के अंदर बाउंड होता है, भले वो इलेक्ट्रॉन सरफेस का ही हो। जो फोटोइलेक्ट्रिक फिनोमेना होता है उसमें हम सरफेस के इलेक्ट्रॉन के लिए ही बात करते हैं, लेकिन फिर भी वो बाउंड होता है, ठीक है। तो ये कुछ डिफरेंस था दोनों में, फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट और कॉम्पटन इफेक्ट में। तो आई होप कि सारी चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। सबसे पहले वीडियो में हमने फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट डिस्कस किया था, फिर दो तीन वीडियो हो गया कॉम्पटन को डिस्कस होने में, और फिर ये उनका डिफरेंस। तो सारी चीज़ें लगभग क्लियर हो चुकी हैं, फिर भी अगर कोई डाउट हो तो आप कमेंट करके बताइए, हम नेक्स्ट वीडियो में उसको डिस्कस करेंगे। फिलहाल आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो। थैंक यू।